जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए, हमने यहाँ पर आटा लिया है, आटे का एक लोया हमने यहाँ बना लिया है। जो नॉर्मल चपाती का हम लोया बनाते हैं वो अब हमने लेके इसको यहाँ पर हम बेलेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। आज हम लेके आए हैं बचपन की वो पुरानी यादें, यानी कि बचपन का जो बच्चों का सबसे फेवरेट स्नैक हुआ करता था। तो देखिए, ये आटे को अब हमने बेल लिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे, अच्छे से घी चारों तरफ से स्प्रेड करेंगे। और देखिए, बच्चों को अगर आप खिलाएंगे और बड़े भी खाएंगे तो घी तो एक बार तो इसमें अच्छे से लगाना बनता है। और किस किस का ये जब बन जाए ना स्नैक, तो बताना आप ज़रूर कि किस किस का ये फेवरेट स्नैक हुआ करता था। मेरा तो डेफिनेटली था। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए, चीनी, यस, चीनी का पराठा, ज़बरदस्त पराठा। 5 मिनट में जो मॉम बना दिया करती थी, मेरी मॉम भी बनाया करती थी, मेरी मम्मी भी बनाया करती थी, और बहुत मज़ा आता था इसको खाने में। और देखिए, अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ का पाउडर भी, जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी। अगर आपको और हेल्दी आयरन रिच बनाना है तो जैगरी पाउडर ऐड करिए। थोड़ा सा घी और लगा लेंगे। और देखिए, इसको अब हम प्रेस कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, आप सबको याद दिला रहे हैं, ये रेसिपी किसे नहीं आती होगी ना। ये तो बचपन में सभी बच्चों की फेवरेट हुआ करती थी, आपकी भी हुआ करती होगी। आज अपने बच्चों को भी आप खिलाइए और बताइए उनको कि क्या शानदार मज़ा आ जाता था। शाम का वक्त होता था और जब चीनी का पराठा या गुड़ का पराठा मिलता था। तो अगर आपको भी ये पसंद था तो लाइक शेयर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और ये देखिए, अब इसको हमने बेल लिया है अच्छे से। और देखिए, इसको अगर आप फोल्ड करके बनाते हैं तो देखिए इसमें लेयर्स भी बनती हैं, तो और अच्छा हो जाता है। और देखिए, अब इसको अब हम सेक लेंगे। कितना आसान है, पर ये बचपन का ऐसा स्नैक था जो तो मैं जितने लोगों को जानती हूँ सभी के मुंह में पानी आ जाता है ये सुन के। अरे, चीनी वाला पराठा आज बनने वाला है, वाओ। तब तक आइए हम मिलकर कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कलेक्टिव प्रेयर करते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और बहुत पॉजिटिव जाती हैं। और अभी सभी को ज़रूरत है, हम सभी मिलकर प्रेयर करते हैं कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं, सब लोग स्वस्थ रहें और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो अब हम इसको पलट लेंगे और देखिए, अभी दूसरी साइड से भी सिकने देंगे और फिर हम घी लगा देंगे। ये देखिए, तवा ऑलरेडी गर्म है, तो अच्छे से घी में ही बनाइएगा इसको, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, अब आंख बंद करेंगे, पराठा तो सिक रहा है हमें। प्रेयर, तब तक एक छोटी सी प्रेयर बोल लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही, हरिओम। मे ऑल ऑफ अस रिमेन सेफ। आपकी, हमारी, हम सब की फैमिली सेफ रहे, स्वस्थ रहे, यही दुआ करते हैं। यस, ये है ही पराठा ऐसा कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। और देखिए, एकदम क्रिस्पी पराठा, टिफिन स्नैक आपके लिए रेडी है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स में बताइएगा कि बचपन की कौन सी यादें, बचपन की कौन सी यादें आपकी ताज़ा हो गई। और उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए आज अपनी मम्मी, आपकी ग्रैंड मॉम, उनकी याद में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा एक पराठा जायका का तड़का के नाम पे। और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा पुरानी भूली भूसरी बचपन की मीठी यादों को याद करते हुए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।